देश की सीमाएं भी देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नारकोटिक्स की तस्करी करता है और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नारकोटिक्स से ग्रसित नारकोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंचर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं तो। 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से लड़ाई को हम जीत सकते हैं, और लड़ाई हारने का कारण का मीमांसा करते हैं तो निश्चित रूप से तीन ही कारण हैं। ये लड़ाई को सरकार की लड़ाई बनाकर लड़े, अगर इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई बनाकर लड़ेंगे, ढेर सारी संस्थाओं को साथ में जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, विशेष करकर माताओं को मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे तो लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती, कई देशों ने ये गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयतापूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।